पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनुषा अस्मा है। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आई डिड माई MBBS फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड ऑल्सो आई डिड माई डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी। करंटली आई एम डूइंग माई डर्मेटोलॉजी क्लिनिक इन डॉम MD Care ब्रांच, गुलशन ब्रांच, विच इज़ लोकेटेड इन गुलशन इकबाल Block 3। अच्छा, आज जो है वो हम बात करेंगे सनस्क्रीन के हवाले से। सनस्क्रीन जो एक बहुत ही निगलेक्टेड चीज़ है और लोग जो है वो इसको बहुत ही गैर ज़रूरी समझते हैं। हमारे जो है वो ओल्ड एज पीपल या मिडिल एज पीपल, जिनको जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सनस्क्रीन जो है वो कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो थोड़ी सी हम जो है वो इस पर नॉलेज लेंगे। अगर आपको जो है वो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं जो हूँ वो ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अच्छा, सनस्क्रीन को जो है वो सन ब्लॉक कहा जाता है। सन ब्लॉक का मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी शेयर जो है वो सन को ब्लॉक नहीं कर सकती, तो हम जो है वो सनस्क्रीन का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सन की जो है हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब सन यानी कि सूरज से जो है सबको पता है अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो निकलती हैं, दैट इज़ UVA एंड UVB रेज होती हैं, तो उससे जो है वो बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ जो है वो मसाइल जो है वो अगर आप मुस्तकिल धूप में रहें तो उससे हो जाते हैं, जैसे जो है वो सबसे पहले गर्ल्स को जो है वो स्किन टैनिंग हो जाती है, रंगत दबना शुरू हो जाती है, धूप में जाने की वजह से दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से एक सोलर यानी कि एक एलर्जी भी बाज़ों का शुरू हो जाती है। उन लोगों की जो है वो जल्द मोटी होना शुरू हो जाती है। अगर हम देखें जो मज़दूर हैं या ड्राइवर हैं या कुछ जो है वो हमारे अफराद जो मुस्तकिल धूप में रहते हैं, तो उनकी जो है वो चेहरे की जल्द मोटी होना शुरू हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अच्छा, सनस्क्रीन जो है वो UVA और UVB से प्रोटेक्शन देता है। तो सबसे पहले तो जो है वो हम धूप से कैसे बच सकते हैं, हमें जो है वो स्क्रीनिंग करनी है। अगर कमरे में है, ऑफिस में है, तो आपने जो है वो वहाँ पे जो आपके ब्लाइंड्स होते हैं या कर्टेंस होते हैं, आपने उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपने जो है वो विंडशील्ड का इस्तेमाल करना है, अम्ब्रेलाज यूज़ करने हैं, सनग्लासेस यूज़ करने हैं, हैट्स, कैप्स यूज़ करने हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप फेस मास्क भी लगा सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग आउटडोर। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अगर हम सनस्क्रीन ख़रीदें बाज़ार से तो किस तरीके की सनस्क्रीन जो है वो अप्रोच करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए? तो जो नॉर्मल सनस्क्रीन जो बाज़ार में अवेलेबल है, जब आप पिक करें तो उसमें जो है वो दो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, डेट इज़ SPF एंड PA++++। तो SPF इज़ बेसिकली गिव्स यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVB रेज एंड PA+ बेसिकली गिव्स यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज। तो दोनों की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमेशा सनस्क्रीन को ख़रीदते हुए इसका जो है वो आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, उमूमन जो है वो SPF जो लिखा होता है तो आपने देखना ये है कि SPF जो है वो हमेशा 30 से प्लस हो, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए जितनी धूप और तेज़ होती है तपिश, तो उसके लिए ज़रूरी है कि SPF 50 से अबव जो है वो आपने लेना है। SPF ये इंडिकेट करता है कि वो आपको जो है वो 50 times SPF 50 आपको जो है वो 50 टाइम्स जो है वो धूप की तपिश से बचा रहा है। अब इसमें जो है वो आपने देखना यह है कि दो तरह के सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डैट इज़ फिज़िकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिज़िकल सनस्क्रीन जो है वो वाइट कलर का होता है, चौकी अपेयरेंस देता है, बेसिकली उसमें टाइटेनियम और डाइऑक्साइड होता है जो आपको जो है वो बेसिकली ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देता है। दूसरा जो है वो केमिकल सनस्क्रीन होते हैं जो जल्द में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पता नहीं चलते हैं, तो अगर आपको जो है वो कुछ बदनुमा लगते हैं वाइट सनस्क्रीन, तो आप जो है वो केमिकल सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी सूरत में एलर्जी हो जाती है या फिर आप ऑलरेडी ही किसी स्किन कंडीशन का दुचार हैं, तो आप लोग प्लीज़ फिज़िकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, केमिकल सनस्क्रीन को अवॉइड करें, बिकॉज़ वो उमूमन जो है वो कुछ लोगों में एलर्जी का बायस बनता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आपने PA++ भी देखना है, वो 3 times जो है वो प्लस लिखा हो या फिर मैक्सिमम 1 या 2 दफ़ा हो, तो वो जो है वो आपको UVA से भी प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि जो है वो एक्नी प्रोन स्किन के लिए कौन सा हो, तो वहाँ पे जो है वो जब आप सनस्क्रीन की ट्यूब या बॉटल पिक करेंगे तो उसमें SC लिखा हुआ होता है उमूमन, यानी कि सीबम कंट्रोल, जो है वो आपकी पोर्स को क्लॉग नहीं करता और बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना ना आने की सूरत में आपकी जो है वो एक्नी उन सूरत हाल में नहीं होती। मतलब सनस्क्रीन जो है वो आपको किसी भी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में आपको जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूसरा ये कि सनस्क्रीन किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो सनस्क्रीन जो है वो 2 grams यानी कि एक उसकी थिकनेस जो है वो
पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई होने चाहिए। तो इट इज़ अप्रोप्रिएट कि टू फिंगर मेथड, यानी कि आपने जो है वो इन दोनों हाथों की उंगलियों में सनस्क्रीन निकालना है और उसको जो है वो अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है। सनस्क्रीन या फिर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए अपनी नेक को ना भूलें, वो चीज़ जो है वो आप अपनी नेक पे लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, सनस्क्रीन जो है वो बच्चे यानी कि 6 साल से ऊपर से लेकर बूढ़े तक हर एक को अलाव है, हर बंदा जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करे। लाइफ जो है वो उसकी 6 आवर्स होती है, यानी कि 6 घंटे बाद आपको जो है वो सनस्क्रीन दोबारा लगाना है। और नंबर टू, अगर आप कहीं पसीने में हैं, यहाँ पे कोई वाटर एक्टिविटी हो रही है, तो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि उतर गया है तो आप दोबारा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ की सनस्क्रीन अवेलेबल है। आई होप इतनी नॉलेज जो है वो आपके लिए सफिशेंट होगी ताकि आप अपनी स्किन क्वालिटी के हिसाब से अपनी मर्ज़ी का सनस्क्रीन खरीद सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर जल्द की कोई भी दूसरा मसला है, तो इसके लिए आप जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरा थ्रू ऑलरडॉक, या फिर वॉक इन अपॉइंटमेंट हो सकता है डर्म एमडी केयर क्लिनिक गुलशन ब्रांच में, विच इज़ लोकेटेड इन गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 नियर के डी मार्केट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।